मांसविराट मांसविराट बैंकॉक जो कि फेमस है अपने स्कॉर्पियंस मीट फिशेस और हर तरह के नॉन वेज आइटम के लिए, वहां मैं आ चुका हूँ एज अ वेजिटेरियन और हमारा आज का चैलेंज यही रहेगा जहां मैं सर्वाइव करूंगा थाईलैंड फॉर 7 days विदाउट ईटिंग एनी एग और मीट। रूल्स बहुत ही सिंपल है, नंबर 1 नो रिपीटिंग रेस्टोरेंट्स, नंबर 2 एग वेज कंसिडर नहीं किया जाएगा, नंबर 3 मैं सड़कों पे नहीं रो सकता अगर मुझे खाना नहीं मिला तो। थोड़े से सपोर्ट के लिए मेरे पास 3 लाइफलाइंस रहेंगी, एक बार मैं इंडियन फूड खा सकता हूँ, दूसरा मम्मी ने थेपला पैक किया था उसे मैं एक मील कंसिडर कर सकता हूँ, नंबर 3 स्किपिंग मील अगर मुझे कोई खाना नहीं मिला तो। ओह लुक्स लाइक वी फाउंड आवर फर्स्ट रेस्टोरेंट। What is this? Soya seaweed, vegetable, meat vegetable, tofu, spicy, bamboo, tofu, soup vegetable. सुबह के 6 बज रहे हैं, हॉस्टल से 2 किलोमीटर चल के मैं आया हूँ। प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, 2 चीजें हैं, नूडल्स या राइस, जिसमें से आप एक चूज कर सकते हैं, उसमें से आपको जो भी टॉपिंग्स पे डालने खा सकते हैं। तो लेट्स बैक, पहला ही चैलेंज का पहला ही डे का पहला ही मील है, बट इससे अचानक से अपने देश के खाने के लिए प्यार बढ़ जाता है। वो जो सुबह सुबह का पोहा, जलेबी, इडली, सांबर, वाह मजा आया। क्या ये सुबह सुबह मैं नूडल्स खा रहा हूँ। नूडल्स बहुत ड्राई ड्राई हो गए थे और मेरा मन कुछ पीने का किया, तभी मुझे ये दिखा फ्राइड बनाना, नहीं लोंगन जूस। अब लोंगन क्या होता है ये तो मुझे पीने के बाद भी समझ में नहीं आया, पर खट्टा सा था, थोड़ा लीची जैसा कुछ। या वेरी डिफरेंट। ये अजीब सा ब्रेकफास्ट पचाने के लिए मैंने सोचा थोड़ा घूम लेते हैं, तो पास ही में मुझे वेजिटेबल मार्केट दिखा, जिसके अंदर मैं गया तो वहां कपड़े भी थे एंड मोबाइल एक्सेसरीज थी एंड सब कुछ था। तो काफी वियर्ड सा था, बट देन उसी के पास में एक रिवर सिटी था, यहाँ से व्यू बहुत अच्छा लग रहा था, आई गेस यहाँ से सनसेट बहुत अच्छा दिखेगा। एंड बाय नाउ इट वाज ऑलरेडी टाइम फॉर लंच टाइम, एंड सुबह की भीड़ भाड़ के बाद, इतना ज्यादा ट्रैवल करने के बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लेना सोचा एंड टू सीट आउट। मैंने हॉस्टल में ही मंगा लिया है, इट्स कॉल्ड बुद्धा बॉल, इट्स कम्प्लीटली न्यूट्रिशियस एंड वेरी हेल्दी प्लस वेज, इट्स लाइक एन अपग्रेडेड सैलड, इट्स वेरी नाइस। I spent the rest of the day exploring Grand Palace. Entry का cost था 500 baht, तो 2-3 घंटे अंदर घूमना पड़ा वसूली के लिए। उसके बाद मैं वापस हॉस्टल आया जहाँ मैंने कुछ नए दोस्त बनाए और फिर ये हुआ। Yeah, go for it, go for it. How does it taste? Amazing. नाइट लाइफ एक्सप्लोर करते करते रात बहुत हो गई थी और डिनर में वेज मुझे सिर्फ ये मिला। ट्रिप पे कितनी भी लेट हो नींद जल्दी खुली जाती है, एंड इवन बिफोर आई न्यू आई वाज इन अ वैन नेक्स्ट मॉर्निंग हेडिंग समवेयर। डोंट फॉल प्लीज, डोंट फॉल, इजी इजी ऑसम, ये और इस नए दिन की शुरुआत की हमने ऑथेंटिक थाई टी के साथ। हाँ ये कोल्ड रहती है। हाई फाई Okay, so this is the second day and the first meal of the day, जो कि लेट हो गया ब्रेकफास्ट किया था, मैं लेट उठा तो, but then this जो
ड्रिंक्स में कोकोनट वाटर और डेजर्ट में कोकोनट आइसक्रीम। दैट्स हाउ यू नो यू आर इन थाईलैंड। इस आइसक्रीम में पीनट्स और ब्लू राइस भी था जो कि कुछ नया सा लगा। और ये टूर खत्म हुआ ही था कि इट वॉज ऑलरेडी टाइम फॉर द इवनिंग बाइसाइकिल ट्रिप। जज मत करना, सालों बाद साइकिल चलाओ तो ऐसा ही होता। रात के 2 बज रहे हैं, कुछ खाया नहीं था दोपहर के बाद से। वो जो खाए थे थोड़े से नूडल्स, बहुत भूख लग रही है, बट डे 2 ही है और अभी से मुझे अपनी लाइफलाइन यूज करनी पड़ रही है। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है श्री वृंदावन करके जो मुझे दिखा है, तो लेट्स गो एंड ट्राई इट। इट इज डे 3 एंड हम चालू कर रहे हैं विद अ ब्लूबेरी पैनकेक। Let's see how does it taste. इतना सारा खा लिया मैं, कुछ बोल नहीं पा रहा था। जो सॉस है, the blueberry sauce which has been spread, वो बहुत अच्छा है। Fruits look fresh. Pancake थोड़ा सा और fluffy हो सकता था, but not gonna complain. Yeah, this is really nice. जल्दी से मैं ये pancake खत्म करता हूँ क्योंकि मेरी flight है, and then हम जा रहे हैं Krabi to continue this challenge. Krabi. और लंच भी स्किप हो गया। ऐसे कैसे चलेगा यार, लंच स्किप हो गया, अब सिर्फ एक लाइफ लाइन बची है। Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We'll be landing shortly at the Krabi International Airport. The temperature is 41 degrees Celsius and the local time is 2:36 p.m. Everyone, please remain seated, especially Shrenik, as you haven't had your lunch, so save your energy. I doubt you will get vegetarian food here, but I still wish you good luck and hope you survive. Thank you. एयरपोर्ट से मैंने शेयर टैक्सी ले ली थी जिसने मुझे डायरेक्टली हॉस्टल में उतारा। हॉस्टल अच्छा लग रहा है, लोग भी बढ़िया हैं। उनके साथ नाइट मार्केट जाने का कुछ सीन है, तो देखते हैं वहाँ होपफुली कुछ वेज मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। ओहो आलू, पुराने दोस्तों को सालों बाद देख के जैसा लगता है ना, वैसा मुझे ये ट्विस्टेड पोटैटो देख के लग रहा है। चिकन बीफ पोक के बीच में मेरा पुराना दोस्त आलू मुझे मिला। सॉरी आई हैड नो आईडिया यू वर सेइंग बाबा, आई हैव दिस सपोज्ड टू बी ट्विस्टेड पोटैटो। ओह नाइस, यू कैन हां नाइस। ओह गुड नया दिन, नई शुरुआत और नए खाने की तलाश। मैंने चालू किया है ये मैंगो जूस के साथ, बहुत ही फ्रेश लग रहा था। ब्रेकफास्ट में यहाँ पे वेज ऑप्शंस कम हैं, सब इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं और मैं अपनी लाइफलाइन ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ, तो मेरे पास ज्यादा कुछ ऑप्शन बचे नहीं है। अभी मैं आवनांग बीच पे घूम रहा हूँ एंड देन हम थोड़ी देर में निकलेंगे 7 आइलैंड टूर के लिए। तो प्लान तो 7 आइलैंड टूर पे जाने का था पर वो सोल्ड आउट है, तो मैंने लिया है होंग आइलैंड। हॉस्टल से मैंने लंच पैक करवा लिया था, लकीली दिस टाइम ग्रेनोला बाउल ऑर्डर किया था, पर अब तो ये ग्रेनोला बॉक्स बन चुका है। बट टेस्ट इसका ठीक ठीक है और कुछ नहीं, से तो बहुत अच्छा है यार। सनसेट इतना अच्छा हो रहा है कि ड्रोन उड़ाने के चक्कर में मैं निकला और वो गाइड जो है बेचारा वो परेशान हो रहा है, खाना खत्म हो जाएगा। अरे 6 बजे यार भूखने लग गई है, और बेचारा इतना अच्छा थाली लेके गया मेरी और अभी लेके आ रहा है वापस खाना मेरे लिए। यार क्या क्रेजी लोग है यार, कितने अच्छे लोग हैं, मजा आ गया। What actually we have limit about the vegetarian food? No, thank you. Yeah. You can take more salt there. Okay. Khapun khab. Khapun khab. Very, it looks very nice. ये आज का हमारा डिनर रहेगा। 6 बजे पहली बार मैं लाइफ में अपना डिनर खा रहा हूँ, क्रेजी।
6 बजे डिनर. जैसे ही मैं हॉस्टल पहुंचा वैसे ही मुझे फिर से भूख लग गई. सीधे बैग रखा और मैं निकल पड़ा क्राबी की सड़कों पे कुछ कुछ बढ़िया से खाने की तलाश में टू हैव माय एक्चुअल डिनर. मैं आया हूँ रॉयल थाई होटल और समथिंग लाइक दैट एंड यहाँ पे मैंने मंगाया मामा वेजिटेरियन नूडल्स व्हिच लुक्स रियली गुड ऑब्वियसली वेजिटेरियन एंड या लेट्स टेक राइट एंड टेस्ट रियली गुड. There are a lot of vegetables in here, so yeah, it's really nice. It's day 4 और हम जा रहे हैं क्राबी का जंगल टूर करने. सोंकरान वीक चल रहा है, which is basically सोंकरान is like होली in Thailand. And the best part is कि लंच और डिनर दोनों included है. तो I'm really excited कि आज क्या खाने वाले हैं हम. थैंक यू. बेसिक फ्राइड राइस हमने खाया विद अ लिटिल बिट ऑफ वेजीज. को टॉप अप करने के लिए मैंने लिया कोकोनट मैंगो स्मूथी व्हिच इज अ व्हिच लुक्स लाइक अ वियर्ड कॉम्बिनेशन बट इट्स गुड मैन. अब हम जा रहे हैं नाइट मार्केट सो दैट शुड हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. दबा के खाने वाला हूं, एकदम मजा आ जाएगा. लेट्स गो. I keep forgetting that we had dinner as well. Some more mango. Coconut pancake. Coconut pudding. Khana bahut acha lag raha hai magar thodi si bhook aur thi. How do we? I don't know what to do. Oh, we have something. Vicky. Something. Vicky. Something. घूम फिर के मैं उसी बारबेक्यू पे वापस आ गया. सब्जियों को देख के कभी इतनी खुशी नहीं हुई थी लाइफ में. लिटिल डिड आई नो दिस वॉज गोइंग टू बी माई लास्ट मील इन क्राबी. दो दिन बाद की जो मेरी फ्लाइट थी उसके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे तो मुझे कल की करनी पड़ी. विद अ हैवी हार्ट एज मच एज वी आर एंजॉयिंग द नाइट मार्केट मेकिंग न्यू फ्रेंड्स एंड हैविंग फन वी हैड टू से गुड बाय टू क्राबी. बट The barbecue, the last meal, was the best meal I ever had. ऐसा barbecue मैंने कभी शायद इंडिया में भी नहीं खाया हो. Sorry. Now this looks like dinner. Day 6 की शुरुआत थोड़ी सी स्लो होती हुई. ये एयरपोर्ट पे हूँ मैं तो मुझे सिर्फ ये मशरूम समोसा मिला है और कुछ वेज था नहीं यहाँ पे. बट हाँ ये एक ही आइटम है तो ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ खाया नहीं है. इंडियन फूड का लाइफलाइन भी खत्म हो चुका है. बजट भी बहुत लिमिटेड बचा है. दो दिन और कटेंगे. कैसे कटेंगे, क्यों कटेंगे, कहाँ कटेंगे कुछ आइडिया नहीं है. हॉस्टल भी मैंने बुक नहीं किया है. पता नहीं कैसे होगा. एंड वी आर बैक इन बैंकॉक. जैसे ही मैं यहाँ पहुंचा यहाँ मेरा कुछ वेट कर रहा था. क्या? सोंकरान. तो सोंकरान इज बेसिकली वेट अ सेकेंड लेट मी शो यू. सोंकरान पर ये है मेरा पेट जो कि गुड़गुड़ कर रहा है. फाइनली ये रेस्टोरेंट मिला है जहां पे दे हैव वेज ऑप्शंस. क्या नाम है इसका ये तो मुझे पता नहीं, पढ़ के भी नहीं समझ आ रहा. ये है अगर किसी को पता हो तो. खाना देख के रुका नहीं गया, पूरी प्लेट खाली कर दी मैंने. जनरली ऐसा होता नहीं है, कुछ समझ रह जाता है. कोई और दिन ये शायद नूडल्स उतने अच्छे नहीं लगे पर आज ऐसा लगा जैसे जन्नत में थे. इसके बाद मैं एक मार्केट आया हूँ फिर से. जी हाँ थाईलैंड एंड मार्केट्स गो हैंड इन हैंड. जहाँ मैंने कोकोनट शेक पिया, थोड़ा सा कॉर्न खाया और अराउंड 12 किलोमीटर चलने के बाद कंपेयर टू माय एवरेज ऑफ आधा किलोमीटर एट होम डिनर टाइम हो चुका है. और इससे पहले कि सब बंद हो जाए हम ऑन टाइम फिर से जाएंगे और कुछ ढूंढेंगे अच्छा सा. नो एग नो मीट. कॉर्नर वाली शॉप से उन्होंने मुझे दूसरे कॉर्नर की शॉप पे भेज दिया. वहां पे दो तीन कुछ
ऑप्शंस थे पैड थाई के, अब आई थिंक लग रहा है कि लंच और डिनर बस डिफरेंट वर्जन्स ऑफ पैड थाई चल रहा है। टेस्ट तो बहुत अच्छा है, मैंने उनको स्पाइसी बनाने को बोला था तो काफी मजेदार है। वेजीज थोड़ी सी कम है तो आई वुड से वेजीज दोपहर में ज्यादा थी, बट टेस्ट इसका बेटर है। फाइनल डे इन थाईलैंड और सुबह की शुरुआत हुई है फ्रेश शुगर के साथ, मुझे नहीं पता है क्या है बट समथिंग रिलेटेड टू पाम ड्रिंक। से हाय। हेलो। अभी हम एमबी के मार्केट घूम रहे हैं तो इससे शुरुआत करेंगे एंड देन ढूंढेंगे लंच किधर है। शुरुआत हुई थी शुगर जूस के साथ, ब्रेकफास्ट भी नहीं बोल सकते उसको, बहुत ज्यादा भूख लगी थी तो मैं आया हूँ। ये पॉपकॉर्न वेज में ऑप्शन थोड़े से कम थे, एक मोज़रेला पेस्टो सैंडविच मुझे यहाँ दिखा जो कि बढ़िया लग रहा था तो मैंने सोचा यही ट्राई करते हैं। एंड इसके साथ मैंने ली है आइस लेमन आइस टी, नाइस। आई वाजंट एक्सपेक्टिंग इट टू बी दिस गुड बट ऑथेंटिक, बहुत सबवे वाला वाइब आ रहा है बट इवन फ्रेशर पैन, लाइक इट्स लाइक अ मिक्सचर ऑफ सबवे प्लस स्टारबक्स, अगर दोनों का एक बच्चा हो जाएगा तो ऐसा कुछ वो ब्रांड बन जाएगा। That was my last meal in Thailand and now I am back in India. The final verdict, क्या आप थाईलैंड में ऐसे वेजिटेरियन सर्वाइव कर सकते हैं? एंड द आंसर इज यस, बिल्कुल। कभी कभी चलना थोड़ा शायद ज्यादा पड़े, ऑप्शंस कम मिलेंगे, महंगा पड़ सकता है या फिर उतना अच्छा टेस्ट ना मिले, बट यू कैन सर्वाइव। और अगर आप थाईलैंड का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आई विल बी शेयरिंग अ फुल बजट वीडियो नेक्स्ट वीक, तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड इफ दुबई इज योर थिंग चेक आउट दिस वीडियो राइट हियर। धन्यवाद, शुक्रिया, मर्सी।